हमारा जो हमारा टॉपिक है दैट इज बॉन्ड लेंथ, इससे प्रीवियस टॉपिक में चैप्टर नंबर 6 के हवाले से जो चीज़ें हम स्टडी करके आए हैं, हमने मॉडर्न थ्योरीज पढ़ने के बाद जो पिछला टॉपिक था हमारा दैट वाज अबाउट द बॉन्ड एनर्जी, और बॉन्ड एनर्जी जो थी वो जिन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही थी उनमें से एक फैक्टर जो था वो था बॉन्ड लेंथ का। तो अब आज का जो हमारा टॉपिक है दैट विल रिवॉल्व अबाउट द बॉन्ड लेंथ, के बॉन्ड लेंथ होती क्या है और किस तरह डिफरेंट कंडीशंस के अंदर उसकी बॉन्ड लेंथ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, और फिर इस टॉपिक के एंड में हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स एंड पीरियड्स के अंदर जो है इसका ट्रेंड क्या है, बॉन्ड लेंथ कम होती है या ज़्यादा होती है और क्यों कर ऐसा होता होगा, उसकी रीजनिंग जो है हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो सबसे पहले विल गो ऑन डिफाइनिंग द बॉन्ड लेंथ, के बॉन्ड लेंथ होती क्या है। बॉन्ड लेंथ इज द डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स जिनके दरमियान बॉन्ड बना है। डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड, वो दो एटम्स जो मिलके कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं उनके न्यूक्लियाई के दरमियान, न्यूक्लियाई इज द प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जब मैं प्लूरल लेता हूँ तो इट बिकम्स न्यूक्लियाई। डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड, के जब भी दो एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो उनके न्यूक्लियसिस के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा दैट वुड बी कॉल्ड द बॉन्ड लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। अब बॉन्ड लेंथ को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, हाउ टू फाइंड आउट द बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, और उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जिनकी मदद से हम जो है फाइंड आउट करते हैं बॉन्ड लेंथ को। और वो कौन कौन सी टेक्निक्स हो सकती हैं, दोज कैन बी एक्सरे डिफ्रैक्शन, कि हम उसके ऊपर एक्सरे की बम्बार्डमेंट करवाएं और उसकी डिफ्रैक्शन से अंदाज़ा लगाएं कि इसकी जोनसी है बॉन्ड लेंथ वो कितनी होगी। सेकंड इज द इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, कि हम इलेक्ट्रॉन की बीम इस्तेमाल करें और वी कैन फाइंड आउट द बॉन्ड लेंथ। ये कुछ टेक्निक्स हैं टू फाइंड आउट द बॉन्ड लेंथ। अब यहाँ पर वो ये कहता है कि आपके पास जोनसी बॉन्ड लेंथ होती है, जो पहली बात इसमें डिस्कस करने जा रहा है वो ये है कि बॉन्ड लेंथ जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। के मॉलिक्यूल की नेचर पे जो है वो बॉन्ड लेंथ डिपेंड नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल वो कहता है जी कि अगर मैं कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है वो फाइंड आउट करूं इन हाइड्रोकार्बन्स एंड कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ फाइंड आउट करूं मैं इन डायमंड, तो दोनों के केस में दैट कम्स आउट टू बी द सेम। वो कहता है जी कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन हाइड्रोकार्बन एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन डायमंड कम्स आउट टू बी 154 पिकोमीटर विच इज़ द सेम। तो ये डिपेंड करेगा किसी और चीज़ पर, मगर इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि कौन से मॉलिक्यूल में आप उसकी लेंथ देख रहे हैं। इसके कहने का मतलब है कि कार्बन कार्बन की जो लेंथ है वो सेम रहेगी, चाहे वो हाइड्रोकार्बन हो या चाहे वो डायमंड हो या कोई भी कंपाउंड हो। तो ये जो था आपके पास ये पहला पॉइंट था। सेकंड जो पॉइंट आपके पास वो डिस्कस कर रहा है वो ये कह रहा है कि कोवेलेंट रेडियाई फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स आर एडिटिव, कोवेलेंट रेडियाई ऑफ डिफरेंट
एलिमेंट्स, जब डिफरेंट एलिमेंट का केस आएगा आपके पास तो उनके दरमियान कोवलेंट रेडियाई विल बी एडिटिव, वो क्या होगा, दे विल एड अप। अब इसको आप इस तरह से समझें कि वो फॉर एग्जांपल कार्बन टू कार्बन है बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है इसकी जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज 150, बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू 154 पिकोमीटर, तो कार्बन का जो रेडियस होगा दैट वुड बी इक्वल टू 154 डिवाइडेड बाय 2 विच टर्न्स आउट टू बी 77 पिकोमीटर। सिमिलरली अगर मैं कार्बन क्लोरीन टू क्लोरीन की बात करता हूँ तो क्लोरीन टू क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ होती है 198 पिकोमीटर, और इससे जो मेरे पास क्लोरीन का रेडियस निकलेगा दैट वुड बी द हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ 198 डिवाइडेड बाय 2, तो दिस कम्स आउट टू बी 99 पिकोमीटर। अब जो ये वाली बात है कि डिफरेंट एलिमेंट के लिए एडिटिव होती है उसको हम यहाँ पे देखते हैं कि अब अगर मुझे कार्बन टू क्लोरीन बॉन्ड लेंथ चाहिए तो मैं क्या करूँगा, कार्बन के रेडियस को इक्वल टू रेडियस ऑफ कार्बन प्लस रेडियस ऑफ क्लोरीन जो कि मैंने अभी ऊपर निकाला है, तो दिस टर्न्स आउट टू बी 77 प्लस 99 और ये आंसर है इसका 176 पिकोमीटर विच इज द बॉन्ड लेंथ फॉर कार्बन टू क्लोरीन। तो जब भी कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड बनाएंगे द लेंथ विल बी दिस एंड दिस कम्स आउट फ्रॉम एडिंग द कोवलेंट रेडियाई ऑफ कार्बन एंड कोवलेंट रेडियाई ऑफ क्लोरीन। तो ये दूसरा पॉइंट था कि दे आर एडिटिव इन नेचर। अब हम जाते हैं आगे, तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके पास वो डिस्कस कर रहा, दैट इज अबाउट द आयनिक कैरेक्टर, कि आपके पास जो आयनिक कैरेक्टर है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वो जो है किस तरह से इफेक्ट करेगा, उसका बॉन्ड लेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो इसका इफेक्ट जो है वो ये है कि अगर आप इंक्रीज करेंगे डिफरेंस को, इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो उससे रिजल्ट में क्या होगा कि शॉर्टन विल बी द बॉन्ड लेंथ। आपके पास जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होना शुरू हो जाएगी। वो ये आज की एग्जांपल आपकी बुक में देता है, वो कहता है जी अगर मैं सिलिकॉन विद फ्लोरीन इसके बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो दैट कम्स आउट टू बी 154 टू 159, और अगर आप उस टेबल में देखें तो उसने एवरेज के तौर पे 155 जो है वो लिया हुआ है। लेकिन अभी हमने पिछला पॉइंट पढ़ा कि सिलिकॉन फ्लोराइड की अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ बॉन्ड लेंथ तो वो कैसे फाइंड करूँगा, कोवलेंट रेडियस ऑफ सिलिकॉन प्लस कोवलेंट रेडियस ऑफ फ्लोरीन, ऐसे ही फाइंड आउट करूँगा ना। तो सिलिकॉन का कोवलेंट रेडियस होता है 117 पिकोमीटर और इसका होता है जी 64। तो अब अगर इसको मैं फाइंड आउट करूँ तो 117 प्लस 64 टर्न्स आउट टू बी 181, तो उस एडिटिव फार्मूले से 181 बनती है लेकिन असल में 155 है। तो इसकी कमी की वजह क्या है कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इनका जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है, और ये जो बात हमने पढ़ी कि इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस विल शॉर्टन द बॉन्ड लेंथ, इंक्रीज जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम होती जाएगी। इसकी वजह यहाँ पे देखी कि इसकी वजह से, इस आयनिक कैरेक्टर की वजह से ये 155 है जबकि होनी ये 181 चाहिए।
इसकी वजह ये है कि अगर सिलिकॉन विद फ्लोरीन है तो फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस शेड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड इट विल गेट अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. अब जैसे ही ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आएंगे, दे विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर. अब जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी अमल में आएगी तो दे विल कम क्लोजर, और इसके नतीजे में क्या होगा, बॉन्ड लेंथ जो होगी वो डिक्रीज कर जाएगी, बॉन्ड लेंथ विल बी डिक्रीज. तो दिस वॉज द थर्ड पॉइंट के आयनिक करेक्टर जो है वो कैसे आपके पास बॉन्ड लेंथ के अंदर जो है वो फर्क डालता है. कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट विच इज द हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन आप पढ़ के आए हुए हैं, दैट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. टू गिव हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता था इसमें, अगर आप रिकॉल करें अपने इसी चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स को, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते थे, इंटरमिक्स करते थे और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होता है वो बना देते थे. तो अब इसमें वो ये कहता है कि बॉन्ड लेंथ जो है वो डिपेंड करेगी डिपेंड ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ एस ऑर्बिटल्स. यहाँ पर अगर हम फिर से रिकॉल करें तो एस जो है दैट इज सर्कुलर, एस जो है आपके पास सर्कुलर होता है ऑर्बिटल, एंड पी जो होती है वो पी ऑर्बिटल इज डम्बल शेप बाइलोब्ड होता है इस तरह का. अब एस है तो ये सर्कुलर है, इसका छोटा होने की वजह से इसके साथ जो बनेगा वो शॉर्टर होगा, और इसके सर्कुलर होने की वजह से जो है वो बॉन्ड डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन जो है जो कि इथेन के अंदर होता है दैट इज 154, और कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है इथाइन के अंदर, ये है इथेन, इथीन के अंदर होगी इट विल बी 133, एंड द सेम बॉन्ड लेंथ इज 120 इन केस ऑफ इथाइन. अब ये ऊपर से नीचे कम हो रही है. अब इसके सामने अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन लिखूं तो इथेन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसके अंदर sp2 और इसके अंदर sp. तो आप देखें कि ऊपर से जब मैं नीचे मूव करूंगा तो एस करेक्टर जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर वो क्या होगा, बढ़ रहा है. एस करेक्टर इज इंक्रीजिंग ना, इंक्रीज कैसे कर रहा है कि sp3 के अंदर तीन हिस्से पी के थे, एक हिस्सा एस का था, तो कितना करेक्टर हुआ एस का 14. sp2 के अंदर दो हिस्से इसके, एक हिस्सा इसका 1/3 पार्ट हुआ, और sp के अंदर हाफ 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 पी और हाफ. तो जैसे जैसे मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ s करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, और जैसे जैसे s करेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो आपके पास बॉन्ड लेंथ क्या हुई है, कम हो रही है. तो दिस वॉज द फोर्थ पॉइंट के इंक्रीज इन s करेक्टर इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल डिक्रीज द बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ को क्या करेंगे, वो डिक्रीज कर देंगे. तो दिस वॉज द फोर्थ पॉइंट जो होता है, और एक और वजह भी इसी के आगे वो बताता है कि डबल बॉन्ड चूंकि इथेन और इथीन के अंदर जो है आपके पास डबल बॉन्ड है, और इथाइन के अंदर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड की मौजूदगी का मतलब है कि दे हैव पाई बॉन्ड्स इन देम, और पाई बॉन्ड्स भी क्या करते हैं, दे रिड्यूसेस द इंटर न्यूक्लियर बॉन्ड डिस्टेंस.
ये यहाँ से हमारे पास जो बात सामने आई कि पाई बॉन्ड की मौजूदगी और एस करेक्टर का बढ़ने की वजह से आपके पास बॉन्ड लेंथ हाइब्रिडाइजेशन वाले केसेस में कम होती है. सो दिस वाज द फोर्थ पॉइंट. नाउ वी विल गो टू द ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक. ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल. अब अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करें तो आपके पास जो बॉन्ड लेंथ है दैट इंक्रीजेस. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर आप जो है देखें कि ऊपर से जब आप नीचे आ रहे होते हैं तो आपके पास होता क्या है कि नंबर ऑफ शेल जो सा है शेल ऐड होता है. शेल ऐड होने की वजह से साइज जो है वो इंक्रीज कर जाता है. एक काम ये होता है कि ऊपर से नीचे आए तो साइज इंक्रीज होता है. दूसरा काम जो होता है वो हम कई दफ़ा पीछे भी पढ़ के आए हैं कि वो ये होता है कि न्यूक्लियर का जो कंट्रोल है न्यूक्लियर का जो चार्ज है वो कम होता जाता है जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जाते हैं. तो इन दोनों की वजह से आपके इलेक्ट्रॉन्स फैल जाएंगे, रेडियस बढ़ेगा और आपके पास जो बॉन्ड लेंथ होगी दैट विल बी इंक्रीजिंग. तो ग्रुप के अंदर जो आपके पास ट्रेंड आया पीरियोडिक टेबल के अंदर वो ये था कि बॉन्ड लेंथ ऊपर से नीचे आने पर जो है वो बढ़ती है. यही वजह है कि सिलिकॉन टू सिलिकॉन की जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज़ ग्रेटर देन कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ. तो ये इसकी वजह थी कि एक तो साइज इंक्रीज होता है, दूसरा न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ जाता है. गोइंग इन द ग्रुप केस कि ग्रुप के अंदर क्या होगा. ग्रुप्स तो सॉरी हमने डिस्कस कर लिए. नाउ वी विल डिस्कस द पीरियड्स. पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल होते हैं लेफ्ट टू राइट. जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या हो रहा होता है? जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन सा है द इंक्रीज एक एक बढ़ता जाता है. नंबर ऑफ शेल जो है दैट रिमेन सेम. एक ही शेल में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं और न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो रहा है ग्रेजुअली इंक्रीज करता है. इसकी वजह से आपके पास अगर आप अब चैप्टर के शुरू वाले टॉपिक्स को रिकॉल करें तो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा होता था. साइज डिक्रीज होने का क्या मतलब था कि आपके पास न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस उतना ही है इलेक्ट्रॉन्स से क्योंकि शेल जो है वो सेम है. तो सेम शेल से जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वो उसको ज़्यादा अपनी तरफ पुल करेगा और साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. साइज डिक्रीज होने का मतलब है कि आपके पास जो आपकी बॉन्ड लेंथ है दैट विल डिक्रीज. तो ग्रुप के अंदर जो है आपके पास इंक्रीज हो रही थी और पीरियड्स में जो है आपके पास बॉन्ड लेंथ वो डिक्रीज होगी और जिसकी वजह ये है कि सेम शेल के अंदर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है. तो ये हमारा आज का टॉपिक था अबाउट दी ओवरऑल बॉन्ड लेंथ और उसके से रिलेटेड डिफरेंट पॉइंट्स, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि ये डिफरेंट नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड नहीं करता. पहला पॉइंट हमारा था नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स. फिर हमने देखा दूसरा पॉइंट कि दे आर एडिटिव इन नेचर. थर्ड वन वाज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट देखा कि उसका डिफरेंस जो है वो कैसे इसको इफेक्ट करेगा. नंबर फोर वाज द हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट कि एस करेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होगी. एंड नंबर फाइव वाज द पीरियोडिक टेबल जिसमें हमने देखा कि ग्रुप के अंदर बॉन्ड लेंथ बढ़ती है और पीरियड के अंदर बॉन्ड लेंथ कम होती है. तो दिस वाज आवर टुडेज टॉपिक ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ आवर चैप्टर नंबर 6.